जनपद में विधानसभा चुनाव में सभी संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की जाएगी, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि जनपद में विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 130 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा जवानों की कंपनी मिली है, जिसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी की कंपनी है, जिनको सभी पोलिंग बूथ पर लगाया गया है तथा कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं लगाया है। इसके साथ ही क्षेत्र में भ्रमण के लिए 100 टीमें केंद्रीय सुरक्षा बल, 200 टीमें पुलिस की लगाई हैं तथा मजिस्ट्रेट भी सभी बूथों की भ्रमण कर निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 30,000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया जाएगा और लगातार अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा जनपद में 55 व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है जो कि गड़बड़ी कर सकते थे। इसके साथ ही गैंगस्टर एनएसए की भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा रेड कार्ड बांटा जा रहा है, जिनके ऊपर पुलिस को संदेह है उनको रेड कार्ड देकर सचेत किया जा रहा है और 50,000 से ज्यादा लोगों को 107-116 में पाबंद करवाया गया है, जिससे कि ऐसे लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को सहयोग करें और चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना करें और चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, ये चुनाव में सभी बूथ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाई गई है और काफी भारी संख्या में 130 से ज्यादा कंपनी हमको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का मिला है, जिसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और कई अन्य फोर्सेस शामिल है और इनको प्रत्येक बूथ पे लगाया गया है। कोई ऐसा पोलिंग सेंटर नहीं होगा जहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ना लगा हो और साथ ही साथ क्षेत्र में भ्रमण के लिए भी लगभग 100 टीमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की, 200 टीमें पुलिस की, जो अधिकारीगण हैं उनका पुलिस भ्रमण पर रहेंगे और 30,000 से ज़्यादा पुलिस बल पूरे जनपद में चुनाव के लिए तैनात किया जाएगा और लगातार जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको जिला बदर भी किया जा रहा है। 55 से अधिक लोग ऐसे गड़बड़ी फैलाने वालों को अभी तक जिला बदर किया गया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत, एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा रही है और पूरी तरह से चाक चौबंद है। अभी हाल ही में कुछ दिनों में रेड कार्ड बंटना शुरू हुए हैं पुलिस के, जो लोगों पर पुलिस को संदेह है कि वो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं उनको रेड कार्ड देकर सचेत भी किया जा रहा है। 50,000 से ज़्यादा लोगों को 107-16 में पाबंद करवाया गया है ताकि वो चुनाव वाले दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें और इसमें लगातार प्रभावी कार्रवाई पुलिस द्वारा जारी है और चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्वक रूप से संपन्न करवाया जाएगा।